चंदन पैरिश बना दिया, जब भी तो हम इतने अच्छे माहौल में रह रहे हैं हम लोग, नहीं तो ऐसे कीचड़ में रहते हम लोग। ऑफिस के किसी बंदे ने कहा कि 20 वोट मिला है, अच्छा। आपके यहाँ का समस्या हम नहीं कर सकते, जिसको वोट दिया वहाँ जाओ वही पानी देगा। 6 महीनों का पानी एक घूट मिलता ना पीने का भी, अच्छा। विदा के पास जा दो, है ही नहीं कोई इंजाम, कैसे कर दूंगा मैं इंजाम, कुछ इंजाम है ही नहीं, मैं क्या करूं। हम हर बार उनके ऑफिस में करीब सारे लोग मिलके हर बार गए, हर बार हमने एप्लीकेशन दिया, हर बार अपडेट कराते हैं, एवरी टाइम वही बोलेंगे कि आप रुक जाओ अगले वीक में हो जाएगा, 15 दिन और लगेगा, 20 दिन और हो जाएगा। उन्होंने तो कभी आके देखा ही नहीं है कि ककरोला होता क्या है, अच्छा। बस अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, उक्का पीटते रहते हैं बस। पानी तो आता ही नहीं है और बिल कंटिन्यू आता है। मेरे भतीजे की शादी थी, मैंने शादी को भी छोड़ के मैं वोट डालने के लिए गई थी वहाँ पे, कि भाई चलो एक वोट ही इतना कीमती होता है। राजधानी दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से जो है कई ऐसे दावे किए गए और आम जनता जो है मजबूर हो गई उन सरकार को वोट देने पर। लेकिन आज जो है आम जनता सवाल पूछ रही है, आम जनता दिल्ली के सीएम से ये जानना चाहती है कि जो सीएम वादा करके गए थे, जो सीएम कहते थे कि पानी आपको फ्री मिलेगा, बिजली आपको फ्री मिलेगा और क्षेत्र में जो है आपको कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं देगी, तो क्या वाकई में जो है इस तरह के कुछ कारनामे हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो दिल्ली अप टू डेट के साफ तौर पर तीसरे आंख से आप देखिए, एक बार इधर की तस्वीर दिखाइए। ये जो है आप साफ तौर पे देखेंगे कि घर है और घर के आगे किस तरह से जो है खुले में नाला बह रहा है। बार बार एक ही सवाल कि 9 महीने हो गए एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने अपना सरकार बनाया, उसके बावजूद भी जो है क्षेत्र की जनता के लिए काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप चारों तरफ तस्वीर देखेंगे तो आपको जो है यही तस्वीर दिखाई देगी, चाहे वो नाला हो, सड़क हो या फिर आम जनता की समस्या हो। सबसे पहले हम आपको नाम बता दें कि यहाँ के जो विधायक है मटियाला विधानसभा क्षेत्र से गुलाब सिंह यादव और यहां जो निगम पार्षद है उनका नाम सुदेश गहलोत है और ये 123 वार्ड ककरोला पड़ता है। अब इसके अंदर जो है आम जनता परेशान है, सवाल पूछ रहे अपने विधायक से, सवाल पूछ रहे अपने निगम पार्षद से कि आखिर जो है जो निगम पार्षद ये वोट लेके गए, जो विधायक वोट लेके गए, आखिर वो विधायक कहां छिपे हुए हैं, कहां गायब है? एक बार जो है इधर की तस्वीर दिखाइए कि आम जनता जो है किस तरह से अपना जीवन बिता रही है और ये गुलाब सिंह जो है ठंडी में जैसे गुलाब आती है और गर्मी में गायब हो जाती है, उसी तरह से जो है ये गुलाब सिंह जी गायब हो चुके हैं, उनकी कहीं भी दिखाई नहीं है। तमाम महिलाएं यहां पे हैं, पहले जुड़ते बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा कमलेश जी आप यहीं पे रहती हैं? हाँ यहीं पे रहती हूँ। कब से रह रही हैं? मेरे को हो गए 30 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा क्या समस्या है आपके क्षेत्र? सारी समस्या है तो पानी तो है ना, 6 महीनों का पानी एक घूट मिलता ना पीने का भी, अच्छा। विदा के पास जा दो, है ही नहीं कोई इंजाम, कैसे कर दूंगा मैं इंजाम, कुछ इंजाम है ही नहीं, मैं क्या करूं? अरे तू क्या, तू कुर्सी पे से बैठ गया आके, हम ही ने बैठा होगा ना कुर्सी पे, तू वोट तो आप ही ने दिया होगा, वोट दिया तभी तो बैठा है वो, आज हमारे लिए पानी के लिए मना कर रहा है वो। अच्छा कितनी बार आप उसके ऑफिस में गई? 500 बार गए हैं। सुनवाई? कुछ सुनता ही नहीं वो, कुछ भी नहीं सुन रहा, कुछ नहीं सुन रहा वो, कुछ भी नहीं सुन रहा। देखिए जो विधायक जो है, कल क्या बोला आपको? कल ये गई थी वहाँ पे गुलाब सिंह से मिलके आई, उन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या कल आप गुलाब सिंह से मिलके? 10-12 दिन और रुक जा, सॉरी मगर तेरी सॉरी होली बहुत होली, सॉरी तेरी, हमें 6 महीने हो गए सॉरी करते करते, हम तो परेशान हो लिया यहाँ पे। अच्छा ये समस्या जो है ये कब से आने शुरू हो गए? 3-4 साल हो गए, 3-4 साल से कुछ गंदगी भरी पड़ी है, बीमार हो रहे हैं रोज, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे, 3-4 साल से जो है इनको प्रॉपर समस्या। क्या नाम है सर? मेरा नाम शशि है, शशि झा। अच्छा झा साहब ये बताइए आपके क्षेत्र में जो है ना ही तो सड़क का विकास हुआ है, ना ही नाले का विकास हुआ, ना ही गंदगी हटी, क्या कहें? कहना क्या है, बस यही है कि उनके भरोसे हम बैठे हुए हैं कि कुछ कर दे। मान लिया पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम हर बार उनके ऑफिस में करीब सारे लोग मिलके हर बार गए, हर बार हमने एप्लीकेशन दिया, हर बार अपडेट कराते हैं, एवरी टाइम वही बोलेंगे कि आप रुक जाओ अगले वीक में हो जाएगा, 15 दिन और लगेगा, 20 दिन और हो जाएगा। पिछली बार जब गए तो कह रहे हमारे से कि आप एक काम कर लो, जाड़े तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा जाड़े में होगा, मतलब अगली गर्मी में आपको परेशानी नहीं होगी, ये कोई रिप्लाई तो नहीं हुआ।
मतलब विधायक साहब साफ तौर पे कह रहे हैं इस जारे में या इस गर्मी में आप मतलब काट लीजिए और उसके बाद जो है हम कर दें, परेशानी नहीं आनी। हाँ। आनी तब तक हम क्या करें, हम शांत होकर बैठे। आपने एक सवाल नहीं पूछा कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कुर्सी पे बैठे हैं, क्या वो इनको फंड नहीं देते क्षेत्र में काम कर? वो कहते हैं फंड की कोई बात नहीं है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि ठीक है हमें खाली अप्रूवल मिलना है, कहीं और से अप्रूवल मिलेगा। हाँ। तो हम लोगों को एक पेपर दिखाया कि इसमें भैया ये है अप्रूवल मिल गया। विधायक जी का नंबर है आपके? हाँ मेरे पास। एक बार फोन लगाइए, एक बार ये फोन लगा रहे हैं, बात करते हैं विधायक जी से कि विधायक जी जो है फोन उठाते हैं या नहीं, जब तक कुछ और बातचीत कर लेते। क्या नाम है सर? अनिल है। अच्छा अनिल जी, क्या कहेंगे या इस तरह की जो ये समस्याएं हैं, खुले में बिल्कुल नाले बह रहे हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, ये तो बहुत खराब स्थिति हमारे यहाँ है बहुत दिनों से, आज से नहीं बहुत दिनों से। हाँ। विधायक जी भी आए थे, देख के गए, हो जाएगा, पानी आता नहीं, बिल भेजते जा रहे हैं, जो हमारे पास वो भी है आपको दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ। बहुत समस्या हम लोग के साथ है। बिल आपके पास पानी का आता है लेकिन पानी नहीं, पानी नहीं आता है। अब हम लोग पानी के लिए कहाँ कहाँ से भटक के लाते हैं पानी, इतनी समस्या, बहुत गंभीर समस्या, पीने के पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। जो है डेंगू की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है आपके क्षेत्र में, छिड़काव बिल्कुल कोई छिड़काव नहीं होता है, क्षेत्र में कोई छिड़काव नहीं होता है, नहीं कोई सफाई का हालत आप देख ही रहे हैं, नाले का हालत देख ही रहे हैं, सब हालत देख रहे हैं जी। वार्ड 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 है ये शिवानी क्लब फेज थ्री, शिवानी इनक्लेव फेज थ्री का है वार्ड आपका 123। हाँ 123 लग जाता है। और सुदेश गहलोत यहाँ के निगम पार्षद है, निगम पार्षद का सबसे पहले साफ तौर पे जो काम है कि नाले साफ होने चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नाले के ऊपर जो है ढक्कन रखा जाना चाहिए। लेकिन आप साफ तौर पे देखिए कि क्या यहाँ पर जो है आपको ढक्कन कहीं भी ढक्कन वक्कन कुछ भी नहीं है, कीड़े वाले बीमारी होने का काम हो रहा है सारा यहाँ। अच्छा कोई बीमारी है? देखो अभी आप बहुत गलत टाइम पे आए हैं, जब बारिश का मौसम है कभी आना। हाँ। कभी बारिश का मौसम हो जाए, जब पूरा नाला जब भर जाएगा। हाँ। जब इसकी गंदगी जब आपके रोड के घर के बगल से जाना है, आप अंदर आ नहीं सकते। अरे तो सीएम साहब कहते हैं दिल्ली को हम लंदन पेरिस बना देंगे। हाँ। बस वो हम लोगों ने खाली भाषण सुना है। हाँ। लंदन और यही लंदन हमारे लिए, यही लंदन और पेरिस। लंदन पेरिस बना दिया जब, तो हम इतने अच्छे माहौल में रह रहे हैं हम लोग, नहीं तो ऐसे कीचड़ में रहते हम लोग, कितने साफ सुथरी। कम से कम विधायक जी को कहिए कि सड़क नहीं बनवा सकते। जिस दिन से पानी हमारा बंद हो चुका है। हाँ। पहले थोड़ा बहुत एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाता। नाले नहीं बनवा सकते तो नाव तो चलवा ही सकते भैया, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा विधायक जी। अच्छा घूम के आएगा, सब कुछ घूम के चलेगा, कोई कुछ नहीं करता। सिर्फ वोट लेने के लिए चाहिए उनको, तो और कुछ नहीं चाहिए। चाहे गंदगी में रहो इंसान, चाहे किसी चीज में भी रहो, बस उनको तो रहना ही है बेचारे। लोग बाग तो अपनी जिंदगी काटेंगे, लेकिन ऐसे गंदगी में काटो, चाहे साफ सुथरी में काटो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन काटते ही है अपनी जिंदगी। सबसे बड़ी चीज है पानी नहीं है, सबसे बड़ा पहले बड़ी समस्या जो है आप लोगों को नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पानी। सबसे पहले पानी चाहिए शुरू में, सुबह आदमी को पानी चाहता है, सुबह पानी नहीं मिलेगा क्या करेगा? लाते हैं आप लोग पानी खरीद के लाते हैं, पैसे से पानी लाते हैं, अभी टैंकर आता है, अभी पानी लेकर आएंगे टैंकर का पानी। हम तौर पे जो है इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या अगर है तो पानी को लेकर है। वाकई में जो है जिस तरह से वादे किए जाते हैं, एक साफ तौर पे ये झाजी बता रहे हैं कि पानी तो नहीं आता है लेकिन बिजली का वो पानी का बिल जो है वो बिल्कुल समय से आ जाता है। क्या नाम है सर? ब्रजेश कुमार। अच्छा ब्रजेश जी, इस क्षेत्र में जो है पानी किस तरह से आ रही है और बिल किस तरह से आ रहा है? सर पानी तो आता ही नहीं है और बिल कंटिन्यू आता है। अच्छा। और पानी के लिए एक बार नहीं 85 बार माने विधायक जी के पास गए। हाँ। पर सुनवाई कोई नहीं हुई। 10 बार यह इस रोड का सर्वे किया उन्होंने पर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक बार नहीं उनके पास 50 बार गए हैं, पर जब तक आदमी बताओ पानी नहीं मिलेगा इंसान को। एक बार आदमी को अन्न ना मिले वो तो जी लेगा, पर पानी के बगैर नहीं जी सकता है जी। हम रोड जाम करेंगे जी, अब आगे बैसी दी बात है, हम बोलिए परेशान। पहले एक दिन छोड़ के भाई रोड पे उतरना पड़ेगा भाई, बगैर आज हमारे बच्चे बगैर पानी के तरसते हैं। कभी टैंकर जब आता है तो टैंकर पे मारा पीटी होती है, ठीक है, महिलाएं पानी भरती हैं वहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये और टैंकर से पानी कब तक लेंगे, कब तक लेंगे, कब तक झगड़ा करेंगे? और पानी घरों में आता नहीं है, बिल कंटिन्यू बराबर आ रहा है, बिल बराबर आता है। टैंकर का पानी नहीं चाहिए। अच्छा हमें चाहिए सप्लाई वाला पानी, पानी चाहिए हमें, जो बिल बिल हम भरते हैं ना, फ्री का बिल जो भरते हैं हम, वो हमें पानी चाहिए। और आप देख रहे हैं गंदगी का देख रहे हैं ना आप जो है साफ तौर पे ये लोग परेशान हैं, ये लोग जो है साफ तौर पे अपने विधायक से परेशान हैं। महीने के महीने रीडिंग लेने के लिए आ जाते हैं पानी की, लेकिन है ना पैसे भेजते हैं वो, जैसा पानी का इतना हो गया इतना इतना। पानी के साथ साथ आपके क्षेत्र में जो है गंदगी की भी समस्या है, निगम पार्षद का भी आए?
नहीं नहीं आए कोई नहीं आज तक नहीं आए आज तक हमने देखा ही नहीं है निगम मास्टर को देखा ही नहीं है सर उन्होंने तो कभी आके देखा ही नहीं है कि ककरोला होता क्या है अच्छा। बस अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं उक्का पीटते रहते हैं बस और कुछ समझ उनके ये समस्या है उनके पास भी गए मैं गुलाब सिंह जी से बात करूंगा मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा मैं आपके क्षेत्र से आया हूं लेकिन ना उनके कान पे तो जूझ नहीं रखते गुलाब सिंह जी तो फिर भी एक दो बार आके देख के चले गए उसके बाद कुछ नहीं हुआ और निगम पार्षद जी तो एक बार भी उठ के उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया अपना जीतने के बाद कभी भी नहीं दिखाया अच्छा एक बात बताइए आज जो है दिल्ली के अंदर दिल्ली के सीएम भी आम आदमी पार्टी के आपके क्षेत्र के विधायक भी आम आदमी पार्टी से आपके निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से फिर भी जो है काम क्यों नहीं हो रहा है अब सर ये तो वही जानेंगे ना सारी मिलवागत तो उनकी है हम लोग उनके ऑफिस गए थे वहाँ से मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता उनके ऑफिस के अंदर का स्टाफ उनका रिप्लाई क्या था आप लोगों के कॉलोनी से हमें सिर्फ 20 वोट मिला गुलाब सिंह के ऑफिस ऑफिस के किसी बंदे ने कहा कि 20 वोट मिला है आपके यहाँ का समस्या हम नहीं कर सकते जिसको वोट दिया वहाँ जाओ वही पानी देगा स्ट्रेट वे में साफ तौर पे जो है इस तरह से लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है बीजेपी से पानी मांगो अच्छा ये आंसर है उनका तो ना, और मैंने उनके ऑफिस में जाके ये कंप्लेंट बोला भी मैंने नाम नहीं बोला किसी का किसने बोला मैं बोला छोड़ दो लेकिन आपके सामने जो बंदा बोल रहा था उस समय सारे लोग कॉलोनी के कम से कम 20-25 लोग वहां पर अंदर घुस के उन्होंने तार भी नोचा जानबूझ के कि पहले आपने इस तरह का जवाब क्यों दिया तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ बोलने से कुछ नहीं हो रहा समस्या का समाधान नहीं हो रहा है सब जब आप विधायक जी को बुलाओ वो आ जाते हैं जेई को लेके आएंगे उनके सामने जेई बोलेगा कि कल आपको सॉल्यूशन में दे दूंगा पढ़ के आते हैं बस पढ़ के कल आपको परसों हो जाएगा परसों का ये नंबर ले लो जी जेई का नंबर हमारे पास है एई का नंबर हमारे पास है विधायक का नंबर हमारे पास है फोन करते रहो नहीं उठाएगा कोई नहीं उठाएगा सड़कें बिल्कुल सही थी उसको साली को खोद खोद के कहते ना ऐसा कर दिया पाइपलाइन डाल रहे गैस की तो गैस नहीं आया अभी तक ये सड़क जो खुदा है ये सड़क जो खुदा है इसका जो है कितना टाइम हो गया खुदे इसको तो तीन साढ़े तीन साल के हो गया इसका सन 20 से अनक तो वो नहीं है और हमने आम पार्टी को ना वोट दिया है मेरे भतीजे की शादी थी मैंने शादी को भी छोड़ के मैं वोट डालने के लिए गई थी वहाँ पे कि भाई चलो एक वोट ही इतना कीमती होता है तो मैं वोट डालने के लिए गई थी कि चलो भाई अपना ये जीत जाएंगे क्योंकि इन्होंने मतलब थोड़ा सा ना इन्होंने जो है साफ तौर पर कह रही है कि भतीजे का शादी था उसके बावजूद भी जो है ये वोट देने गई और आज जो है वोट देने के बाद इन आम लोगों के साथ किस तरह से जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है मानो जैसे कि ये दिल्ली के नहीं है कहीं और से आए हैं और यहाँ के जो विधायक है वो साफ तौर पे किस तरह से इन लोगों के साथ एक तरफा रुख अपना रहे हैं एक बार तस्वीर दिखाइए कि सेवा में श्रीमान विधायक गुलाब सिंह जी और ये जो है मटिया महल विधानसभा का है ये हमें यहीं से माफ़ कीजिए मटियाला विधानसभा क्षेत्र का है और यहाँ पर किस तरह से जो है इनको लेटर लिखे गए लेकिन इस लेटर का जवाब अभी तक नहीं मिला लेटर का जवाब मिला नहीं कोई जवाब नहीं मिला अभी तक कोई एक्शन नहीं मिला हम लोग बहुत दुखी हैं कि इस जारे में मैं आपको कर दूंगा अगले गर्मी में आपको परेशानी नहीं होगी ये जवाब मिला रात में देते पानी अभी बताओ जनता सोए या पानी भरेगी नहीं क्या नाम है माता सुनीता देवी जी सुनीता यही रहती है आप हाँ जी पानी वगैरह मिल रहा है सही से नहीं बिल्कुल अच्छा, आंखों का आपने ऑपरेशन कराया है हाँ जी हाँ जी एक बात बताइए रात में निकलना हो आप कैसे निकलेंगी सड़क तो पूरा टूटा हुआ है नहीं निकलती ऑपरेशन कराया दूसरी का भी कराना है भैया इसको टूटे हुए दूसरी का भी कराना कोई नहीं ठीक करता इसको एक का करा कोई नहीं ठीक करता इसको 8-9 साल हो गए सड़क को टूटे हुए कोई ठीक नहीं करता बीजेपी की भी आ गई सोमे शौकीन थे जब बनी थी उसके बाद नहीं बनी है हमारी सड़क उसके बाद तो ये समस्या है हमारे तो बीजेपी की सरकार है चाहे MCD की सरकार कोई भी सरकार है हमें पानी बिजली जो भी सुविधा हमें चाहिए ठीक है ना हमें कोई भी सरकार है उससे हमें मतलब नहीं ये लाइटें जो लगी ये भी खराब है कोई एक आधी जल रही है खराब है झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए हम सब कुछ देंगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं देंगे हम अच्छा ये है झुग्गी झोपड़ी वाले वोट देंगे उनके लिए हम वोट नहीं देते ना खुले तौर पे जो इस पर बोल रहे हैं अभी हाँ झुग्गी झोपड़ी वाले सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप जागो सरकार या भागो सरकार भागो भागो हमारी गली में मत भागो सरकार ही कहेंगे हमसे क्या कहेंगे सर जागो सरकार या भागो भागो सरकार और हमारी गली में मत घुसना हाथ जोड़ के इलेक्शन के समय में फिर हम भी घुसते बिल्कुल यहाँ से भगाएंगे टैक्स हम लोग भरे कोई सुविधा हम लोग नहीं दे तो क्या होगा सारे रिपोर्ट हम लोग के पास रखा हुआ है बिजली मिलाप के पास यह है
है अभी सब फोटो लेके भेजिए इनको। जागो सरकार या भागो सरकार तो भागो ही भागो, लेकिन अब अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप बताओ क्या करें। अब हमारा अगला है कि हम रोड जाम करेंगे इसके बाद। अच्छा। हमें पानी चाहिए। अब हमारा ये काम नहीं है कि दुकान भी खोले जाके और बच्चों को भर भर के पानी ला ला के दे। एक किलोमीटर दूर से वाटर सप्लाई वाले से पानी ला के देना पड़ता है, डेली पैसे खर्च करने पड़ते हैं। परसों बाइक गिर गई, एक बच्चे उसमें रख गया और मेरे भी चोट लग गई। अब बताओ कहाँ से ये समस्याएं दूर होगी। बरसात वो सुनते नहीं। बरसात में तो बच्चों की स्कूल, बरसात में तो बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि देख रहे हो आप रास्ता ही नहीं है, कहाँ से निकल कर ले जाएं बच्चों को। भाई बच्चे साफ तौर पे तस्वीर दिखाइए कि खुले में किस तरह से ये गंदगी पड़ी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर इन बच्चों को डेंगू हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, लापरवाह कौन? क्योंकि अगर आप पूरे गली का दृश्य देखें, एक बार इधर का फिर से तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो है यहाँ पर सड़कों को पूरा ऊँचा नीचा गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। और अगर ये साइड से अगर आप देखें तो ये जिनका घर है उन्होंने जो है ये खुद से बनवाया है, लेकिन यहाँ पर अगर नाली खुली है तो इसके ऊपर जो है ढक्कन नहीं रखा गया है। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है और उनके विधायक जो है और उनके निगम पार्षद जो है किस तरह से मनमानी कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से दिल्ली के अंदर उनकी सरकार है, उसके बावजूद भी जो है उन लोगों से काम नहीं हो रहा, लेकिन ढिंढोरा जो है जरूर पीटा जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार है और लोगों के लिए काम करती है। तो क्या आप जो है इस क्षेत्र को देखकर याद कर सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर काम हो रही है? और यहाँ के विधायक जो है गुलाब सिंह यादव है, उनके पास भी जो है ये खबर पहुँचे तो उन्हें भी देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र की जनता जो है किस तरह से परेशान है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।